हेलो ब्रोन, इस वीडियो में जानेंगे कैसे आप लोग फेसबुक आईडी को रिकवर कर सकते हैं विदाउट मोबाइल नंबर, विदाउट पासवर्ड, विदाउट ईमेल आईडी के। जिससे आपने फेसबुक अकाउंट बनाया था वो मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है और ना ही आपके पास ईमेल आईडी है और आपको पासवर्ड भी याद नहीं है और आप लोग अपना फेसबुक आईडी को रिकवर करना चाहते हैं तो बहुत ईजिली आप लोग अपने फेसबुक आईडी को रिकवर कर सकते हैं। कैसे रिकवर करना जानेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से देखिए अंत देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन देखने को मिलेगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जो उसके बगल में बेल का आइकन देखने को लगा इस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो देख पर सबसे पहले। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप लोग फेसबुक आईडी को रिकवर कर सकता है विदाउट मोबाइल नंबर, विदाउट पासवर्ड के, विदाउट ईमेल आईडी के। चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। अगर आप फेसबुक आईडी रिकवर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर अगर आपने फेसबुक ऐप में पहले से कोई आईडी लॉगिन कर रखा है तो यहाँ पर वो आईडी आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर साइड में आपको थ्री डॉट दिखेगा, यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना और यहाँ पर आप लोगों को नीचे जाना है एंड यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन देखेगा लॉगआउट का, तो यहाँ पर आपको लॉगआउट पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप लोग लॉगआउट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका फेसबुक आईडी है वो यहाँ पर लॉगआउट हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखेगा लॉग इन टू अनदर अकाउंट, यहाँ पर आपको लॉग इन टू अनदर अकाउंट पर क्लिक करना और यहाँ पर आपके सामने फेसबुक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। और अगर आपने जो फेसबुक में पहले से कोई भी आईडी लॉगिन नहीं किया होगा तो डायरेक्टली आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब अगर आप लोग फेसबुक आईडी को रिकवर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फॉरगेट पासवर्ड का, यहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना एंड यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर से आपने फेसबुक आईडी बनाया था वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। जो भी आप फेसबुक आईडी को रिकवर करना चाहते हैं उस आईडी को जो भी मोबाइल नंबर से आपने बनाया था उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। और अगर आपने अपना फेसबुक आईडी मोबाइल नंबर से नहीं बनाया था, अगर आपने अपना फेसबुक आईडी ईमेल आईडी से बनाया था तो यहाँ पर नीचे लिखा है सर्च बाय यूआर ईमेल, यहाँ पर आपको सर्च बाय यूआर ईमेल पर क्लिक करना। जो भी ईमेल आईडी से आपने फेसबुक आईडी बनाया था उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। यहाँ पर नीचे लिखा है फाइंड योर अकाउंट, यहाँ पर आपको फाइंड योर अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने फेसबुक आईडी अपने मोबाइल नंबर से बनाया था तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर को टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर को टाइप कर दिया। इस तरीके से जो भी आप फेसबुक आईडी को रिकवर करना चाहते हैं उस फेसबुक आईडी को जो भी मोबाइल नंबर से आपने बनाया था उसी मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है एंड यहाँ पर नीचे लिखा फाइंड योर अकाउंट, यहाँ पर आपको फाइंड योर अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर मैंने टाइप किया उस मोबाइल नंबर से यहाँ पर देख सकते हैं दो फेसबुक आईडी बना था, यहाँ पर दो फेसबुक आईडी आ चुका। इस तरीके से यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर आप टाइप करेंगे उस मोबाइल नंबर से जितने भी फेसबुक आईडी बने होंगे वो सभी फेसबुक आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर आपको नाम भी देखने को मिल जाएगा फेसबुक आईडी किस नाम से बना है एंड यहाँ पर अगर प्रोफाइल फोटो लगा होगा तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल फोटो भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो भी फेसबुक आईडी आप लोग रिकवर करना चाहते हैं उसी फेसबुक आईडी पर आपको क्लिक कर देना। और इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर मोबाइल नंबर की जगह पर अगर आप लोग ईमेल टाइप करेंगे तो जैसे आप लोग ईमेल टाइप करके सर्च करेंगे तो यहाँ पर ईमेल आईडी से जितने भी फेसबुक आईडी बने होंगे वो सारे फेसबुक आईडी आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर जो भी फेसबुक आईडी आप लोग रिकवर करना चाहते हैं सिंपली आपको उसी पर क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर जो सेकंड वाले फेसबुक आईडी है इसको हमें रिकवर करना है, यहाँ पर मैं सेकंड वाले फेसबुक आईडी पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जिस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा एंड यहाँ पर नीचे लिखा ट्राई अनदर वे, यहाँ पर आपको ट्राई अनदर वे पर क्लिक करना एंड यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी फेसबुक आईडी में जो भी ईमेल आईडी लिंक होगा वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और फेसबुक आईडी में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास मोबाइल नंबर भी नहीं होगा और आपके पास ईमेल आईडी भी नहीं होगा और आपको पासवर्ड भी याद नहीं होगा तभी ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं। तो इनमें से अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर नीचे लिखा है नो लॉन्गर हैव एक्सेस, यहाँ पर आपको नो लॉन्गर हैव एक्सेस पर क्लिक कर देना एंड यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा एंड यहाँ पर नीचे लिखा स्टार्ट, यहाँ पर आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप लोग स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है न्यू ईमेल, ठीक है। तो इस बॉक्स में आपको एक नया ईमेल आईडी टाइप कर देना, जो भी ईमेल आईडी आपके पास है उसको आप लोग यहाँ पर टाइप कर देना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं एक नया ईमेल आईडी टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास जो भी ईमेल आईडी है उसको आप लोग यहाँ पर टाइप कर देना और यहाँ पर नीचे लिखा गेट कोड, यहाँ पर आपको गेट कोड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो भी आपने ईमेल आईडी टाइप किया होगा उस ईमेल आईडी पर कोड क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कोड को एंटर कर देना। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कोड आया या नहीं आया, ठीक। जो फेसबुक के अंदर आपने ईमेल आईडी को टाइप किया था उसी ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने उसी ईमेल आईडी से यहाँ पर मैंने लॉगिन किया है तो आपको उसी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है एंड यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने फेसबुक की तरफ से एक कोड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोड देखने को मिलेगा तो इस कोड को आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना एंड यहाँ पर दोबारा से आपको उसी पेज पर चले जाना है एंड यहाँ पर जो कोड आपने कॉपी किया था उसको आपको पेस्ट कर देना है यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास कोड नहीं आता तो यहाँ पर नीचे लिखा है रिसेंट कोड, आप लोग इस पर क्लिक करके यहाँ पर दोबारा से आप लोग कोड मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कोड आ चुका है एंड यहाँ पर मैंने कोड को टाइप कर दिया एंड यहाँ पर आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है।
जैसे आप लोग कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। आप यहाँ पर लिखा अपलोड आईडी, तो यहाँ पर आपको अपलोड आईडी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सी मोर पर क्लिक कर देना है। एंड अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसमें से अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो आप लोग उसको अपलोड करके आप लोग अपना आईडी रिकवर कर सकते हैं। तो इसमें से अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पर नीचे लिखा है नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर बहुत लोग कहेंगे कि मेरे पास आधार कार्ड है, एंड यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और वो ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, और यहाँ पर आप लोग नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है आई डोंट हैव, ठीक है, आपको आई डोंट हैव पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को लगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट का आपको दोनों साइड का आपको फोटो क्लिक कर लेना। यहाँ पर पहले वाले में डॉक्यूमेंट का, यहाँ पर फ्रंट साइड का, यहाँ पर आपको फोटो सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर दूसरे वाले में यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट का जो बैक साइड का यहाँ पर फोटो था उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा लोडिंग लगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। एंड यहाँ पर देख सकते ये सबमिट हो चुका है। एंड यहाँ पर आपको फिनिश पर क्लिक कर देना। फिनिश पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना, और बैक आने के बाद यहाँ पर अब आपको वेट करना है। एंड यहाँ पर आपको ईमेल को आपको चेक करते रहना है, ठीक है। फेसबुक की तरफ से आपके पास ईमेल आएगा। अब यहाँ पर आपको 48 घंटे का वेट करना, जो भी आपने ईमेल आईडी सबमिट किया था उसी ईमेल आईडी पर 48 घंटे के अंदर में आपके पास फेसबुक की तरफ से ईमेल आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास दो ईमेल आया था। यहाँ पर जो पहला वाला ईमेल आया था इसे हम अपनी आईडी को ट्रैक कर सकते हैं, और यहाँ पर जो दूसरा वाला ईमेल आया था, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये दूसरा वाला ईमेल आया था, यहाँ से हम अपनी पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा है रीसेट पासवर्ड, यहाँ पर आपको रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करना। एंड यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। एंड यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखेगा, इस बॉक्स में आपको एक नया पासवर्ड एंटर कर देना। एंड यहाँ पर नीचे लिखा रीसेट, आपको सिंपली रीसेट पर क्लिक कर देना। एंड जैसे आप लोग रीसेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं आपको फेसबुक आईडी लॉगिन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर एंड यहाँ पर जो आपने नया पासवर्ड सेट किया उसके मदद से आप लोग इस आईडी को फेसबुक ऐप में लॉगिन कर लीजिए, और इस आईडी में जो भी मोबाइल नंबर और जो भी आपका ईमेल आईडी होगा उसको आपको चेंज कर देना, ठीक है। एंड यहाँ पर जो आपका काम है, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो आईडी है वो यहाँ पर सक्सेसफुली रिकवर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना, जो भी आप लोग फेसबुक आईडी रिकवर करना चाहते हैं उस आईडी को जिस फ़ोन में आपने पहले चलाया था, ठीक है, उसी फ़ोन से आपको ट्राई करना, तभी आपका आईडी रिकवर होगा। और आप लोग किसी और फ़ोन से ट्राई करेंगे तो आपका आईडी रिकवर नहीं होगा। आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन देखने को लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जो उसके बगल में बेल का आइकन देखने को लगा इस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो देख पाए सबसे पहले।